हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एस वी धीरवानी। तो चलें जी, आज की जो मेरी वीडियो है वो थोड़ी प्रीवियस वीडियो से डिफरेंट है। डिफरेंट इन अ सेंस ऐसे कि आज जो है मैं आप लोगों के साथ लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगी। कुछ एक्सरसाइज मैंने आप लोगों के लिए डाली है। एक्सरसाइज से मकसद ये है कि मैं कुछ पिक्चर्स और कुछ क्वेश्चंस डालूंगी इस वीडियो में, जिसकी आपको खुद एक्सरसाइज करनी है घर में कि अगर ये पिक्चर है तो उसके आंसर्स क्या होंगे, ठीक है। और जो है पिक्चर को आइडेंटिफिकेशन, मतलब सारी चीज़ें मैं वीडियो में डालती हुई जाऊंगी। और ये ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं होगी। उसके बाद जो है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जो है आप लोगों को आंसर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और जहां आप लोगों को प्रॉब्लम होगी वहां आप लोग जो है मुझसे कमेंट में ही पूछेंगे कि इसका आंसर मुझे बताएं, ठीक है। लेकिन आप खुद से ये एक्सरसाइज करें घर में। जब मेरा एग्ज़ाम था या मैं जब प्रोस्टो खुद कर रही थी तो मैं ये चीज़ें बहुत करती थी। उसमें फ़ायदा ये होगा कि आपके जो है अपने रिफ्लेक्सेस बनेंगे, ठीक है। चलें जी, तो फिर चलते हैं पिक्चर नंबर वन की तरफ। आप लोगों को सामने स्क्रीन पे पिक्चर नंबर वन नज़र आएगी, ठीक है। इस पिक्चर के बाद आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस नज़र आएंगे। उन क्वेश्चंस को आप देखें, सोचें और ख़ुद उनका आंसर जो है अपने पास लिखें, और मुझे कमेंट में बताएं कि आप लोगों को किस क्वेश्चन में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। अब आप देखें क्वेश्चंस जो है आपके स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे, ठीक है। ऐसे करके दो तीन क्वेश्चंस मैं डालूंगी जिसकी एक्सरसाइज आपको करनी है घर पे। जिस जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है मुझे बताना है कमेंट करके। चलें जी, अब ये नेक्स्ट पिक्चर आप लोगों को नज़र आ रही होगी, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं। स्क्रीन पे आप लोगों को क्वेश्चंस और पिक्चर दोनों नज़र आएंगी। आप लोग खुद जो है इसकी एक्सरसाइज करें, पिक्चर आइडेंटिफाई करें और जो है मुझे बताएं कि ये थोड़ी डिफरेंट वीडियो मेरी आप लोगों को कैसी लगी, आप लोगों को फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि इन चीज़ों से फ़ायदा होता है। मोस्टली क्या करना होता है, हमें अपने रिफ्लेक्सेस बनाने होते हैं फॉर क्लिनिकल एग्ज़ाम। तो तभी मुझे ये आइडिया आया, मैंने कहा कि चलें ये एक वीडियो बना के देखते हैं, फिर आप लोगों का रिस्पॉन्स देखते हैं, फिर मैं क्या करूँगी नेक्स्ट वीडियो जो है उसके आंसर्स के साथ बनाऊँगी। लेकिन कुछ दिन के बाद, जब तक आप लोग मेरी वीडियो देखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, खुद आंसर सर्च करेंगे, तो उसमें आप लोगों को ही फ़ायदा होना है। तो पीछे स्क्रीन पे क्वेश्चंस भी आते जा रहे हैं, आप देखते जाएं। ठीक है जी, जैसे कि आपको क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं, और अगर प्रॉब्लम हो रही है, मैंने कोशिश यही की है कि टाइम थोड़ा लंबा रखूं, ताकि अगर आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर रहे हैं तो इजीली कर लें, अगर स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो इजीली कर लें, वीडियो को शेयर भी करें ताकि बाकी लोगों के लिए भी थोड़ी आसानियां हों। मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि मेरी वीडियो से आप लोगों को ज़्यादा नहीं पर थोड़ी बहुत नॉलेज ज़रूर मिलेगी। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिस क्वेश्चन में आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है वहाँ मुझे ज़रूर बताएं कि इस क्वेश्चन का आंसर दें। वैसे तो मैं पूरे जो भी मैं डालूंगी इसमें पिक्चर्स और जो क्वेश्चंस हैं उन सब के ही आंसर्स देने वाली हूँ, पर आप लोग पहले खुद से एक्सरसाइज करें और मुझे बताएं। चलें जी, अब आपने क्वेश्चंस देख लिए होंगे, आई होप के नोट डाउन भी कर लिए होंगे। तब तक मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें इसी क्वेश्चंस के आंसर के साथ। लेकिन तब तक आपको खुद सोचना है, खुद जो है अपने रिफ्लेक्सेस बनाने हैं। तब तक मुझे दुआओं में याद रखें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।